बहुत, वो देखो वो देखो वो देखो भाई, डांस देखो लौंडे का आप जरा, वो देखो बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मनाली। गाइस सुबह की मॉर्निंग तो हमारी हो चुकी है, कब की चाय वगैरह सब कुछ पी ली है। तो अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल, यहाँ से रास्ते पहुँचे हैं। मैंने अपनी बाइक छोड़ दी है, जो एक भैया थे हमारे साथ वीसी वाले, उनकी वीसी लेके जा रहे हैं। तीन बाइकें जा रही हैं, मतलब मेरी बाइक होटल पे है, और बाकी करते हैं बात अब हडिम्बा टेम्पल। गाइस ये था हडिम्बा माता का टेंपल। ये काफ़ी पुराना है, पांडवों के टाइम का है। टेंपल तो बाद में बना है, पर काफ़ी पुराना है वैसे ये। मतलब ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को शांति मिलती है। और बस एक ही मनोकामना है कि हमारा जो आगे का सफ़र है वो अच्छे से बीत जाए बस। तो गाइस अभी हम हडिम्बा टेम्पल तो घूम लिए, बस अब हमें बनाना है परमिट चंद्रताल लेक के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं डीसी ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस बनेगा शायद से, परमिट पहले पता कर लेंगे हम किसी से, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो अब मिलते हैं आपको परमिट बनने के बाद। तो गाइस अभी हमने बस पैकेजिंग की है, V3 वाले भैया अपने विशाल इनकी बाइक पे भी पैकेजिंग की है। और ये हमारे पिलियन राइडर, ये देखिए, ये हमने पेट्रोल के लिए लिया है सब कुछ। बिल्कुल टर्मिनेटर लग रहा है यार तू तो, हैं? ये भी तू ले ले। नहीं भाई। एक वो अकेला रह गया वहाँ पर। ये मोटे जैसे आदमी ड्यूक वाले हमारे, इनकी भी पैकेजिंग की है। तो हुआ ऐसा कि पैकेजिंग करते करते हालत हो गई थी ख़राब हमारी, पसीने छूट पड़े हैं। और ये अपना देसी जुगाड़ टैंक बैग जो हमें मिस्टर विशाल ने बताया है, ये काफ़ी अच्छा सेटअप है हमारा। अभी आगे हम जाएंगे चंद्रताल। तो टाइम अभी हो रहा है कोई 2:08, तो पहुँच ही जाएंगे है ना जशन? शाम तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो टेंट लगा लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ सामान, ये V3 पे ऐसे सेट किया है, ये बंजी कॉर्ड्स वगैरह ली थी हमने वहाँ पर। और ये अपना ड्यूक 200 पे, मतलब ऑल सेट टू गो है हमारा सिस्टम। बस अब आगे देखते क्या होता है। स्पीति ऑन वे ब्रो। तो गाइस आज सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है, आपको पता ही है, देख चुके हो आप पहले से ही। तो अभी हम निकल चुके हैं राइड पे, अब चंद्रताल की तरफ जा रहे हैं। तो आज फुल ऑन कंफर्टेबल होके जाएंगे। मैंने बैग पीछे पीठ पे लगाया था कल, तो थोड़ी पीठ में दर्द ज़्यादा हो गई थी, आज मैंने पीठ से खोल के आगे टैंक बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। क्रैश गार्ड्स के साथ चिपकाया हुआ है तो टिका रहेगा यहाँ पर आराम से, तो राइड आराम से हो जाएगी। बाकी सामान अच्छी तरह सेट कर दिया हमने, तो मनाली को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया अब। गाइस एक बार देखो तो सही यार, ओ यार यहाँ पर ये इतना अच्छा फील हो रहा है, तो ऊपर पता नहीं कैसा होगा, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है दिल को। इतने सारे टूरिस्ट हैं पर फिर भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है दिल को।
बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। तो अभी टैंक फुल करवाया है 640 का, अभी इनको वेट कर रहे हैं। ये V3 वाले भैया का हेलमेट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर। ये हमारे पिलियन आ रहे हैं, तो गाइस वो रही सामने अटल टनल। हाय, फोटोज़ में बहुत देखा, वीडियोस में बहुत देखा, आज फर्स्ट टाइम अटल टनल लाइव देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का वेट कर रहे हैं अभी, सभी खुश हैं। थोड़ा सा बाइक चेक कर लेता हूँ, मेरे को पिकअप की प्रॉब्लम सी लग रही है, शायद से हाइट की वजह से हो रहा हो, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो चेकिंग वगैरह होगी शायद से, बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी तो कुछ नहीं है, आगे आगे तो जन्नत और करीब होती जाएगी। ये तो बस जन्नत के लिए एक छोटा सा रास्ता है, आगे आगे जन्नत और बढ़ती ही जाएगी। वाह यार, ये सब पुरानी बर्फ़ है जो पिघल पिघल के इस नदी में जा रही है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि गाड़ियों में थोड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है, अपना जो बोलते हैं उसे थोड़ा पिकअप की प्रॉब्लम हो रही है। गाइस अभी हुआ ऐसा कि हम खोकसर तक पहुंच गए थे और वहां से हमें वापस आना पड़ा क्योंकि थोड़ा पेट्रोल नहीं था हमारे पास, और अटल टनल ने हमें बोला था कि अपना ये आ गई पहली वाटर क्रॉसिंग। पेट्रोल नहीं था हमारे पास तो हमें वापस आना पड़ा, पेट्रोल नहीं था हमारे कैंप्स में तो हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि अगर हम चंद्रताल जाते और हमारा किसी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो बहुत दिक्कत आती फिर हमें, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। और अब हम जा रहे हैं सिसु में पेट्रोल भरा लेंगे हम जाके। ये वैसे ले का रास्ता, ये सारे मतलब
ये जो हाईवे है ये लेक हो जाता है, तो अभी पेट्रोल का पता कर रहे हैं सारे में ही, बहुत ठंडा पानी है। व्लॉग्स में हम देखते रहते हैं कि धूप है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी इन जगहों पर गाइस सच्ची बताऊं तो यहाँ पर गर्मी नहीं, यहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, मतलब यहाँ पर ठंडी हवा चली रह रही है तो उसकी वजह से हमें ठंड लग रही है। वह देखो उसे क्या 32 तो बोल रहा है कि पेट्रोल पंप 25 किलोमीटर आगे है। तो गाइस अभी हम रुके हैं सिसु वैली में और ये देखो, और अभी हम यहाँ पर टेंट लगाएंगे, तो अभी बाइक से सारा सामान उतार रहे हैं, उसके बाद टेंट लगाएंगे और आज का स्टे यहीं पर है और कल सुबह को यहाँ से निकलेंगे। और लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं बहुत, वो देखो भाई डांस देखो लौंडे का आप जरा, वो देखो बिल्कुल दामे तो कसीता लग रहा है। बाकी व्यू तो आप देख ही रहे हो यार भाई, जन्नत। ठीक है गाइस, अभी हम बना रहे हैं मैगी, तो जो हमारे रोहित हैं हमारे स्पेशल कुक हमारे साथ आए हैं। अरे यार, आए हाय हाय हाय, तड़का लग गया है। जरा देखो तो सही भाई साहब, देखो लौंडा कितना खुश हुआ है, खाने खाने के मामले में तो बहुत खुश होता है ये। वो देखो सभी लड़के बहुत खुश है, वो देखो पानी बोतल लियो, पानी कोड़ा भी जा, आज लगता है आज मजा ही आ जाएगा भाई। मसाले का ट्रिक थे। तो ऐसा ही होता है कि दोस्तों के साथ ऐसे ऐसे पल गुजारे होते हैं, वो पूरी उम्र याद रहते हैं और काफी ज्यादा टाइम तक याद आते रहते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं हम उनको कहते हैं कि हमने ऐसा किया था और वैसा किया था, और ये तो सबसे ज्यादा खास पल होते हैं। अभी ऊपर हम जाएंगे तो इससे भी ज्यादा खास पल होंगे हमारे लिए। आज हम पेट्रोल लाने इतनी दूर गए, बारिश में वापस आए, इतनी ठंड लगी, आग के फिर हमें मतलब आग वगैरह सब कुछ लकड़ियाँ ढूंढ के तब जाके भी हमारी मैगी का ये सब बन रहा है। अभी जस्ट हमने अभी अगर हमारी बारिश नहीं रुकती तो फिर हमें भूखे तो क्या सोचते, बट स्नैक्स से हमें पेट भरना पड़ता और तो कुछ नहीं। अभी जस्ट 9 बजे हमने लकड़ियाँ ढूंढी हैं और अभी मैगी बनाने लगे हम। जरा मैगी तो दिखाओ यार, स्पेशल चीज होती है, सबसे स्पेशल चीज है मैगी। 2 मिनट नूडल पर ये बनते नहीं है, 2 मिनट अगर दिल से बनाने तो 2 मिनट में कभी नहीं बनते भाई। और ये हमारा टमाटर और ये है शिमला मिर्च, ये स्पेशल हम बिल्कुल बिल्कुल भाई घर वाली फीलिंग दे रहे हैं लौंडे। टांडी ब्रिज से टांडी ब्रिज से लेके आए हम। तो अभी कल के लिए ये है कि कल हम सुबह 6 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, सुबह 5 बजे हमें उठना पड़ेगा और सभी बाइक से सामान बांधना पड़ेगा, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से, फिर मिलेंगे चंद्रताल। बस गाइस, तो आज के दिन के लिए बस इतना ही था, फिर हम अगले दिन सिसु से चंद्रताल के लिए निकले, पहले कोकसर पहुँचे और वहाँ पर जाके परमिशन ली। बाकी आप नेक्स्ट व्लॉग में देख ही लोगे, तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।